प्रशासन जो है इतनी जल्दी सोच भी नहीं सकता। जो सिरसा के प्रशासन ने कर दिखाया है, सिरसा के प्रशासन ने लोगों की सोच में परिवर्तन करने के लिए देखिए किस तरह से दीवारों पे पेंटिंग की है और हर एक पेंटिंग कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे कर रही है और इसका सहयोग जो है HDFC बैंक ने किया है। हालांकि HDFC बैंक ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया है, उसकी एक अच्छी नई सोच थी, सरकार की नई सोच थी कि लोगों में जागृति आए, सिरसा शहर को सुंदर कैसे बनाया जाए, सबसे अच्छी सोच सिरसा प्रशासन की। देखिए सरकार ने किस तरह से तस्वीरों के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया है कि समाज में कितनी कुरीतियाँ बढ़ रही है और इन कुरीतियों को पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया है। बेटियों पर समाज में कितने अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ रेप हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, इसी तरह सरकार भी लोगों को जागृत करना चाहती है, लोगों को जताना चाहती है कि लड़कियों को इस तरह से हरासमेंट ना की जाए ताकि समाज में जागृति आए। क्योंकि जो चीज़ हम देख के समझ सकते हैं वो हम चाहे जितना भी भाषणबाजी करें हम नहीं समझ पाते, तो सरकार ने एक नया बीड़ा उठाया है पेंटिंग के माध्यम से लोगों को दर्शाने का और शहर को सुंदर बनाने का। ये देखिए दूसरी ओर जहाँ एक और समाज की कुरीतियों को दिखाया गया है, वहीं समाज को, शहर को, अपने वातावरण को किस तरह से हम सुंदर बना सकते हैं, उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया कि जो कूड़ा है घर की महिलाएं हैं चाहे बाहर का कोई लोग है वो कूड़ेदान में ही डाले, यदि वो सड़क पे डालेगा तो सड़कें गंदी होगी, प्लास्टिक फैलेगा, हर जगह कचरा फैलेगा। इसी तरह एक और हरियाली का भी ध्यान में विशेष ध्यान रखा गया है कि हरियाली भी शहर में होनी चाहिए ताकि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। देखिए इसी पेंटिंग में एक भाई साहब जो है झाड़ू लेके खड़े हैं ताकि वो झाड़ू से पूरे शहर की सफाई कर सके, रोड की सफाई कर सके, आम जन को किसी भी तरह की समस्या ना हो सके। यहाँ पे एक संदेश बच्चों को दिया गया है कि जो भी है वो भी यदि सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे तो शहर को बहुत ही सुंदर ढंग से जो है साफ किया जा सकता है। स्वच्छ भारत की और जो मोदी जी द्वारा चलाया गया अभियान है उसकी और भी ध्यान दिया जा सकता है। ये देखिए दूसरी ओर योगा का भी विशेष ध्यान दिया गया है। 21 जून को योगा दिवस था और योगा करने से जो है व्यक्ति का तन मस्त होता है, अगर स्वस्थ होगा तभी वो स्वच्छ भारत की ओर सोच सकता है। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं इस जो दीवार पर है एक कदम स्वच्छता की ओर का मैसेज दिया गया है, बापू गांधी जी की तस्वीर दी गई है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने अभियान चलाया था यही सोच के कि 2019 में गांधी जी की 150वीं जयंती है और इस जयंती पर जो है पूरे भारत को हमने स्वच्छ बनाना है, इसीलिए जो है यहाँ का प्रशासन भी बहुत सतर्क है लोगों को संदेश देने के लिए। ये देखिए इस वॉल पे जो है मेरा भारत महान की बात कही गई है, तिरंगा दिखाया गया है क्योंकि तिरंगा सबसे आगे रहता है इसलिए दौड़ता हुआ दिखाई दिया गया है और साथ ही साथ इनक्रेडिबल इंडिया दिखाया गया है, इसमें ताजमहल, महात्मा गांधी और इंडिया गेट भी दिखाया गया है और ये देखिए ये सबसे अच्छी तस्वीर जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म को एक तिरंगे में बांध के रख दिया गया है, एक मुट्ठी में बंद कर लिया गया है कि सारे धर्म एक ही हैं, कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ बच्चे दिखाए गए हैं जो तिरंगा लहरा रहे हैं और एक बहुत अच्छा संदेश, अपनी जमीन अपना वतन आवाज़ दो हम एक हैं। ये देखिए इस पेंटिंग में सबसे अच्छी जो चीज़ दिखाई गई है वो है आर्मी, हमारी आर्मी जो हमें सुरक्षा देती है, अपना घर परिवार छोड़ के हमारे तिरंगे की रक्षा करती है, हमारी रक्षा करती है। मैं अशोक कुमार राणा राज एयरपोर्ट डायरेक्टर से हूँ, जलंधर पंजाब से। सबसे पहले मैं HDFC बैंक और DC साहब और शहरवासियों को सभी को धन्यवाद करता हूँ, प्रियंका मैडम का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे इस वॉल पेंटिंग के जरिए शहर सिरसा को स्वच्छ सुंदर वॉल बनाने का मौका मिला है। और इस सोशल मैसेज हम बनाते हैं जो भी वॉल पे पेंटिंग करते हैं उससे लोगों को बड़ा बेनिफिट होता है ताकि शहर में गंदगी नहीं फैलती है। और मैं हम शहरवासियों से निवेदन करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाएं और सेव वाटर करें और कूड़ा रोडों पे ना फेंकें। आपकी मैंने सारी पेंटिंग्स देखी लेकिन ये जो पेंटिंग है ये कुछ अलग ही मैसेज कन्वे कर रही है, क्योंकि आजकल समाज में जो है लड़कियों के साथ बहुत
बहुत हरासमेंट हो रही है और कुछ ये गर्ल्स कॉलेज भी है, तो इसके बारे में मैं आपके से जानना चाहूँगी कि ये आपके थॉट माइंड में कैसे आया। जी हाँ, लड़कियों का कॉलेज है, मुझे प्रियंका मैडम ने भी बताया था कि ये लड़कियों का कॉलेज है, उसके बारे में आप कुछ ऐसा बनाओ कि हर कोई देखे पेंटिंग अच्छी हो, तो उसके लिए मैंने ये डिज़ाइन किया और मुझे लगा कि डिज़ाइन छोटा है लेकिन बहुत कुछ ये डिज़ाइन बोलता है और हर बंदा इस डिज़ाइन को समझता है और मुझे लगता है इस पेंटिंग का बहुत असर होगा लोगों पे, समझेंगे लोग। ये देखिए, अभी हमने आपको दिखाया शहर का प्रशासन कितना जागरूक है। अब जागरूक होने की जरूरत है तो जनता को है, यदि जनता भी जागरूक हो जाती है प्रशासन के साथ तो प्रशासन का भी बहुत सहयोग होगा और जो आमजन है उन्हें भी स्वच्छ साफ वातावरण मिलेगा, एक मेंटेनेंस मिलेगी अच्छे अपने वातावरण में। जिस तरह से हम देखते हैं कि चंडीगढ़ इतनी साफ क्लीन नीट एंड क्लीन सिटी है, रूल रेगुलेशंस का इतना ध्यान दिया जाता है, तो हमारे सिरसा शहर में इतना ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है। अब प्रशासन तो बहुत सतर्क है, सतर्क होने की ज़रूरत है, तो आम जन को प्रशासन अपनी तरफ से पूरा सहयोग कर रहा है। इसी के साथ मैं हूँ एनसी वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ, धन्यवाद।